नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस के बारे में। आप दो चक्का या फिर चार चक्का चलाते हुए कभी न कभी ट्रैफिक पुलिस से पाला आपको जरूर पड़ा होगा। स्थानीय थाना गाड़ी जांच के नाम पर लोगों से जुर्माने का डर दिखाकर मोल भाव कर मोटी रकम कमाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन पुलिसकर्मियों को ओवरलोडिंग, इंश्योरेंस व परमिट जाँच करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद इंश्योरेंस जांच के नाम पर बाइक, कार, बड़ी गाड़ियों को पकड़ते हैं और जुर्माना भरने को कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनके पास इन धाराओं के लिए परिवहन विभाग ने अधिकार नहीं दिया है। अगर आप परिवहन विभाग के नियम को देखें तो कई ऐसे कागजात हैं जिनकी जांच ट्रैफिक पुलिस व स्थानीय थाना को नहीं करना है। ऐसे में परिवहन विभाग ने सभी जिलों को धाराओं की कॉपी भेजी है, जिसमें उन्हें धाराओं के साथ उनसे सख्ती के बारे में भी अच्छे से विस्तार में बताया गया है। जिन धाराओं में उन्हें जुर्माना लेना है, पटना पुलिस हर महीने इस तरह की 20 से 40 अनुशंसा DTO को करती है। अन्य जिलों में पुलिस इस मामले में सुस्त है। साथ ही साथ परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि अपराध एवं यातायात नियंत्रण के लिए राज्य में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत दंड लगाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन गाड़ियों की जांच के दौरान किन किन धारा का उपयोग पुलिसकर्मियों को करना है इसका भी उल्लेख उसमें किया गया है। पुलिसकर्मियों को गाड़ी के सुचारू परिचालन बनाए रखने के लिए लोगों से जुर्माना वसूलने की शक्ति दी गई है, लेकिन पुलिस उन धाराओं में भी जुर्माना लगाने की बात करती है जो उन्हें दी ही नहीं गई है। ऐसे में पुलिसकर्मी जाँच के नाम पर मनमानी करते हैं। अगर इन पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट या फिर सीट बेल्ट पहने कोई गाड़ी मिल जाए तो फिर उन्हें पकड़ लें या फिर पुलिस उन वाहन चालक पर इंश्योरेंस की धारा 196, परमिट की धारा 192A, ओवरलोड की धारा 194A और फिटनेस प्रमाण पत्र की धारा 192 की मांग करते हैं, जो कि उनका अधिकार नहीं है। व्यावसायिक गाड़ियों से तो पुलिसकर्मी फिटनेस की भी मांग करते हैं। गाड़ी मालिकों को इन दस्तावेजों के नहीं होने पर भारी भरकम जुर्माना की भी बात करते हैं और पैसे को लेकर मोल जोल करते हैं और बिना रसीद के उन्हें जो है छोड़ देते हैं। इससे न केवल लोग परेशान हैं बल्कि यातायात में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको यह भी जान लेने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी चेकिंग पॉइंट पर सब इंस्पेक्टर या फिर उससे ऊपर का अधिकारी आप पर चालान करता है तो यह ठीक है, पर सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक के पुलिसकर्मी कहीं भी चालान नहीं काट सकते। इसलिए ज़रूरी होता है कि ऐसे चेकिंग पॉइंट जहां पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को यातायात के नियम पूरे न करने का चालान की कार्रवाई कर रही है, वहां पे इंचार्ज में सब इंस्पेक्टर या फिर उससे ऊंची रैंक के अधिकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थे ट्रैफिक के नियमों को लेकर जानकारी, जिसमें कि परिवहन विभाग ने सभी जिलों के थानों को जो है यह नियम भेजा है ताकि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।